Chintamani is about knowledge also, as you said, it's a spiritual song, and you know, a trend to chal raha hai, which is always there, ki devotion, spiritual or enlightening songs ka ek alag category ban gayi hai. To aap khud, you've been holding such a strong place in devotion and spiritual field. What would you like to say on this whole transition which is happening? देखिए, आई थिंक एज समबडी यू नो हु रिप्रेजेंट्स द यूथ, आई फील दैट स्पिरिचुअलिटीज आज सबसे ज़्यादा यूथ को ज़रूरत है उसकी. पहले ऐसे हुआ करता था कि आप एक सर्टन एज पर पहुँचे, उसके बाद आप यू नो स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनने लगे. आज वैसे है नहीं. आई थिंक द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़. और आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए रिलीजियस होना है. स्पिरिचुअलिटी ये आप में एक पॉजिटिविटी बढ़ाती है. जो आप करते हैं उसमें आपको बहुत आगे तक ले जाती है. जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उसको मैग्नीफाई करती है. तो आई थिंक टुडे मोर देन एवर स्पिरिचुअल म्यूज़िक, जो पॉजिटिव म्यूज़िक है, वैसे तो सब कहते हैं कि म्यूज़िक इट्सेल्फ इज़ पॉजिटिव, लेकिन अच्छे यू नो गुड वर्ड्स, एक अपलिफ्टिंग थॉट्स, ये सुनने से आपको खुशी क्यों होती है. और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो वो आपको शुगर हाई की तरह एक शुगर रश देते हैं, बट वो शुगर निकल जाता है तो बस फिर आगे जहाँ पे थे आगे. लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि एवरी टाइम आप लो फील करते हो, एवरी टाइम आपको वो सुनने से यू बाउंस बैक अप. तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई स्पिरिचुअल म्यूज़िक टुडे इज़ कैचिंग अप. आई डोंट थिंक इट हैड डाइड डाउन. कहीं पर वो छुप गया था, थोड़ी सी धूल उस पर बैठ गई थी ऑफ यू नो पीपल्स इग्नोरेंस आई गेस. एंड हाई टाइम दैट यू नो वी वेंट बैक टू, जैसे कहते हैं ना कि आप दुनिया भर का क्विजीन ट्राई करो, लेकिन आप जब आप दुखी होते हो या जब आप यू नो अनहैप्पी, यू गो बैक टू दाल चावल. इट्स आई थिंक यू इट्स टाइम दैट वी केम बैक टू आर दाल चावल, एंड इट्स टाइम वी केम बैक टू आवर म्यूजिक विच हैज़ बिल्ट आवर कंट्री. Beautifully sung song. It is very enlightening also to hear it. You heard the song. Devotional track hai aur shuruaat usse hui hai. To kaisa, I'm sure you have been doing tremendous amount of work in devotion, and this is special. So what would you like to say? To aise hota hai na ki aap kaam bahut karte rehte hain, lekin koi ek cheez aise aa jati hai jisse logon tak aapka kaam pahunchta hai. एंड आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है कि चिंतामणि के द्वारा जो एक एंड ये गाना रिलीजियस नहीं है, ये गाना स्पिरिचुअल है. ये गाना ऐसे है जिसकी हर इंसान को आज ज़रूरत है, बिकॉज इट सिग्निफाइज होप. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो अपेक्षा म्यूज़िक की जो शुरुआत, मराठी कैटलॉग्स की जो शुरुआत है, वो एक बहुत होपफुल गाने से ये शुरुआत है. एंड आई रियली प्रे गणपति बाप्पा को, जो आई थिंक वो एक ऐसे भगवान हैं जो अक्रॉस एजेस, अक्रॉस स्टेट्स, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, चाहे वो बंगाल हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बाप्पा नहीं पहुँचे. और यू नो चिंता हरने वाले जो दीटी हैं, तो वो गणेश हैं. और इस गाने का नाम भी चिंतामणि है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड दैट you know Ajay ji and Abeksha Music have decided to open their repertoire with Chintamani. Ajay ji, pehla sawal aapke liye hai ki Abeksha Music ka first Marathi song hai, Kavita ji ki awaaz mein kya kehna chahenge? We are blessed. Itne legendary singers hamare company mein aaye hain, and pehla Marathi song Kavita ji ke. We are grateful to them. प्लेबैक पर से, बट बहुत प्रोग्राम्स होते हैं रियलिटी शोज में, बॉलीवुड वगैरह बहुत गाया जाता है. व्हाट हैपेंस इज पीपल समहाउ कनेक्ट अ लिटिल मोर व्हेन दे लिसन टू मी सिंगिंग स्पिरिचुअल म्यूजिक. प्रॉबेबली इट्स बिकॉज मे बी देर आरंट एनी यंगर पीसेस इन स्पिरिचुअल म्यूजिक. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ, सी टू मी एनीथिंग पॉजिटिव इज स्पिरिचुअल. सो अ गुड गज़ल जिसके बोल बहुत खूबसूरत हो, या जिसका इंटेंट बहुत सुंदर हो, या कोई भी एक अच्छा यू नो अ सॉन्ग लाइक ए वतन फ्रॉम राजी, इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग, बट इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग सॉन्ग. यू नो आप हर बार उसको सुनते हो तो आप एकदम तरोताज़ा हो जाते हो, और आप
एवरीबडी इज पेट्रियाटिक, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर दूंगा अपने देश के लिए. तो ऐसे गाने जो हैं, आई थिंक आई रिलेट टू अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ म्यूजिक इन बॉलीवुड. ऑफकोर्स इट इज़ ऑल द सेम 7 नोट्स, वही 7 सुर हैं, बट येस आई टेन टू रिलेट मोर टू म्यूजिक दैट दैट इज लास्ट. श्योर. तो इस ये गाना इट्स अ गणेश जी का गाना है, लेकिन खास तौर पे सी ही इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो बुद्धि के देवता भी उन्हें मानते हैं. बच्चे एग्जाम से पहले पीपला स्क्रैम्बलिंग टू सिद्धिविनायक, यू नो ही इज सपोज टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स. तो कुछ अगर कल यू नो कुछ इशू है तो लोग भागते हैं. लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स गो टू सिद्धिविनायक बिफोर द रिलीज ऑफ देयर फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन एक जो उनका उनकी क्वालिटी है, जो देर कभी कभी सेल्फ डाउट होता है, यू नो एक नैगिंग डाउट होता है, उसको हटाने की क्षमता मेरे ख्याल से गणेश जी में सबसे ज़्यादा है. उसी रूप को चिंतामणि, जो चिंता हरते हैं उसे चिंतामणि कहते हैं, तो उन पर आधारित ये गीत है. वससी मणि चिंतामणि, हे गणनायका शुभदायका, वससी मणि चिंतामणि. नॉट ओनली डज चिंता तो हरते हैं, लेकिन हर चीज को वो शुभ बनाते हैं. एंड आई थिंक पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी देखते हैं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी सिचुएशन टर्न होने में वक्त नहीं लगता. तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग वी आर कॉलिंग हिम चिंतामणि तो कहते ही हैं, लेकिन वो शुभ है, ही सिग्निफाइज ऑल थिंग्स पॉजिटिव. सो ये वो वाली फिल्म थी जहाँ पर मजाक में कहा जाता था कि शेर राहुल रॉय बन गया. याद रह रहा हूँ. ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, मैं भी हूँ तेरी जान. ये जान गए सब